रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां तेज रफ्तार प्राइवेट बस की बोलेरो कार से आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चा भी घायल हो गया। तभी आनन फानन में लोगों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं इस घटना के संबंध में जिलाधिकारी आंजनेय कुमार ने कहा कि बदायूं से एक बस शादी समारोह से लौट रही थी, तभी बस और बोलेरो कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। बोलेरो कार में राणा शुगर मिल के कर्मचारी बैठे थे, जिनमें से 5 की दर्दनाक मौत हो गई। अभी तक घटना का विवरण आया, उसके हिसाब से शाहबाद से ठकिया की तरफ जाने पर मंदार गांव पड़ता है, वहां पे एक बदायूं से बारात लौट रही थी बस में, और एक राणा शुगर मिल वहां पे है, उसकी शाहबाद में एक शुगर मिल है, उसके कुछ कर्मचारियों को लेके बोलेरो जा रही थी। उन दोनों के बीच में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो में जो सवार हैं उसमें से 5 लोगों की तत्काल डेथ हो गई और 3 लोग घायल हैं हुए। उन घायलों को जो जितने लोग उसमें मुकेश, हरवीर, अमित, रिंकू और शिवचरण की डेथ हुई है, उनको अभी पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। जो घायल हैं उनमें सभी घायलों को यहाँ पे लाया गया, उसमें से एक घायल सीधे बरेली चला गया था, बाकी सभी घायल हैं। एक बच्चा जो बस में था, जो बारात का हिस्सा था, वो घायल हुआ है। सभी की हालत स्थिर है, ठीक है, उनके सीटी स्कैन हुआ है, कोई गंभीर खतरे वाली बात नहीं जो घायल यहाँ पे है। शेष जो बस में कुछ एक घायल थे छिटपुट, उनका अभी डिटेल नहीं पता है, क्योंकि वो लोग अपने अपने इलाज के लिए वहीं से निकल गए। ये सारा विवरण इकट्ठा किया जा रहा है और इसमें जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो बहुत की जाएगी। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में मुकेश, हरवीर, अमित, रिंकू और शिवचरण शाहबाद की राणा शुगर मिल में काम करते थे। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।